पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि कल के जो आईपीएल ऑक्शन, मिनी ऑक्शन जो था 2024 आईपीएल, ने इसने साबित कर दिया कि भैया पढ़ाई लिखाई बीच में छोड़ो और आ जाओ आप क्रिकेट खेलने। कल का जो बेटिंग था, मतलब शुरुआत तो 1-1.5 घंटे में ऐसा लगा कि पैट कमिंस से सबसे ज़्यादा महंगा बिक गया, जो 20 करोड़ देके हैदराबाद ने उसके खिलाफ, मतलब उसके तरफ लिया था। बट उसी के 1-1.5 घंटे बाद फिर मिशेल स्टार्क को कोलकाता ने 25.75 करोड़ से खरीदा, मतलब 24 करोड़ 75 लाख, जो आईपीएल की विनिंग प्राइस से 4 करोड़ 75 लाख ज़्यादा है। मतलब टोटल जो आईपीएल विनिंग टीम जिसको मिलता है 20 करोड़ मिलता है, इसका तो उससे भी ज़्यादा प्राइस है। और इससे पहले मिशेल स्टार्क ने सिर्फ आरसीबी के लिए खेला था 4 सीजन, वो 2014-15-16-17 में, तो 16-17 दिखे भी नहीं थे, 14-15 ही खेले थे। और उस बंदे ने वो 4 सीजन सिर्फ 5-5 करोड़ के लिए खेला था। और फिर 9 साल बाद उन्होंने आईपीएल में एंट्री किया, और आईपीएल में एंट्री करते साथ डायरेक्ट 24 करोड़। मतलब यार आईपीएल में जो है ना, बैट्समैन की उतनी वैल्यू नहीं रही, सिर्फ बॉलर की वैल्यू। अब तक अगर आप देखोगे हाईएस्ट सिर्फ बॉलर या ऑलराउंडर लोगों को ही मिला है। इससे पहले लास्ट ईयर सैम करन का था 18.5 करोड़, उसी के साथ अपना 16.5 करोड़ का बैन स्टोक का, उससे पहले क्रिस मोरिस का 16 करोड़ था, फिर कैमरन ग्रीन का इस साल भी 17.5 करोड़ है। जबकि हमारे स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा, MS धोनी और विराट कोहली, इन लोगों का उतना नहीं है। और सबसे चौंकाने वाला बैटिंग वो था जब एक अनकैप खिलाड़ी जो सिर्फ 2 मैच खेला है, बट उसने यूपी टूर्नामेंट में T20 लीग में धमाल मचा के रखा था, 9 मैच में 400+ रन बनाए, जिसको चेन्नई सुपर किंग ने 8 करोड़ से खरीदा था, मतलब 8 करोड़। और एक समीर रिजवी, यही समीर रिजवी, इसको 8 करोड़ में ख़रीदा। और एक कुमार खुशाग्रह, जिसको 7 करोड़ में ख़रीदा दिल्ली ने। जो लोग अनकैप प्लेयर है, जिन्होंने अभी इंटरनेशनल डेब्यू नहीं खेला, ना ही ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है, तो ये साबित करता है कि आईपीएल वो लीग है जो आपका नेशनल परफॉर्मेंस या वो सब नहीं देखती, प्रेजेंट परफॉर्मेंस देखती है। अगर 4-5 मैच भी अगर आप अच्छा खेल दे रहे हो, मतलब आप करोड़पति बन सकते हो। और बाकी खिलाड़ियों की बात करें तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जो डिजर्व करते थे उतना नहीं मिला, जैसे अजमतुल्ला उमर जाई, जो डिजर्व करते थे एटलीस्ट 1-2 करोड़ जाना चाहिए, बट उसे 50 लाख में गुजरात ने लिया। रिली रोसो को फर्स्ट राउंड में किसी ने ख़रीदा नहीं, बट सेकंड राउंड में उस बंदे ने 8 करोड़ कमाए, पंजाब ने उन्हें 8 करोड़ देके ले लिया। शाहरुख खान को पंजाब ने छोड़ा था, फिर भी उसके लिए वेटिंग किया, और फाइनली शाहरुख खान जो है गुजरात में चले गए 8 करोड़ में। और अपना हर्षल पटेल को RCB ने इस बार निकाला था, लेकिन उस बंदे को इस बार पंजाब ने 11 करोड़ में ले लिया। हसरंगा को भी RCB ने निकाला था, तो हसरंगा का भाव बहुत ज़्यादा गिर गया, जबकि वो श्रीलंका प्रीमियर लीग का स्टार था, सबसे ज़्यादा चौके, सबसे ज़्यादा छक्के, यहाँ तक कि विनिंग टीम का कैप्टन भी था, फिर भी उस बंदे को सिर्फ 1.5 करोड़ ही मिल पाए। ये स्पेंसर जॉनसन, इसका नाम शायद कोई ढंग से जानता भी नहीं होगा, इस बंदे को गुजरात ने 11 करोड़ या 10 करोड़ में ले लिया है। ये बंदा उतना खास नहीं किया, हाँ बट उसमें उसने धमाल मचा के रखा था, जो इंग्लैंड में हुआ था D100, उसमें अच्छी बॉलिंग की थी और इंडिया के खिलाफ डेब्यू भी किया, लेकिन उतना खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाया था T20 वगैरह में। फिर भी उस पता नहीं गुजरात में क्या देखा उसमें, जो उतना ले लिया। और हमारे हर्षल पटेल भी इस बार अच्छे छाए हुए, अच्छे भी किए, क्या 11.5 करोड़ ले लिया भैया, उनसे बेंगलोर ने 10 करोड़ में रखा था, 10.5 में 11.5 मिल गया। शाहरुख खान को भी गुजरात ने ही रख लिया 8 करोड़ में। यश दयाल को बेंगलुरु ने ले लिया 5 करोड़ में। अल्जारी जोसेफ को 11 करोड़ में बेंगलुरु ने अपने नाम कर लिया। दिलशान मधुशंकर को मुंबई ले लिया अपने तरफ से, और एक नुवान थुसरा, उसको भी मुंबई ले लिया। गैराल कॉट जी, उसे भी मुंबई ले लिया। मतलब जो अच्छे अच्छे बॉलर है, उससे जो मुंबई टारगेट करके ले ही लेती है, छोड़ती नहीं है। और पता नहीं अपने RCB वाले को क्या हो जाता, बच्चे कुछ दूसरे का लेके आ जाते हैं। यश दयाल वो खिलाड़ी जो पिछला सीजन 5 छक्का खा के मैच हराया था, उसको भी 5 करोड़ देके लिया है। तो हो सकता है उसका घरेलू सर्च जो है सही रहा होगा।